हर पक्षी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी चोंच। अगर किसी पक्षी की चोंच ही ना रहे तब वो शिकार कैसे करेगा, नतीजा उसे भूखा ही मरना होगा। मगर दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो अपने चोंच को खुद ही तोड़ देता है। मगर ये ऐसा क्यों करता है, जबकि इसकी चोंच टूट जाने से इसकी मौत भी हो सकती है। एक ईगल के जीवन काल अमूमन 70 साल तक का होता है, मगर जब ये 30 से 40 की हो जाती है तब इसके पंख भारी हो जाते हैं, चोंच कमजोर पड़ने लगता है और पंजों की धार भी कम होने लगती है, जिससे कि ना ही ये ढंग से उड़ पाता है और ना ही शिकार कर पाता है। तब उसके सामने दो ही विकल्प होते हैं, एक या तो वो ऐसे ही कमजोर पड़कर मर जाए, दूसरा सभी पुराने चीजों को तोड़ दे ताकि नया उग आए। और ईगल दूसरे रास्ते को चुनता है, तब ये किसी पत्थर से अपने चोंच को तोड़ देता है। फिर 5 से 6 महीने के बाद जब नई चोंच उग आती है तब ये फिर से आसमानों में राज करने लगता है।